रहाने ने बोल तो दिया था जब गवा में खेलने गए थे तो कोई मैसेज नहीं है, कोई मैसेज नहीं, उसको खुला छोड़ दो, खुला छोड़ो। एक वो देखियो, सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ी सी एक अपशब्द होगा लेकिन उसको बुरे तरीके से मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने नहीं, अजिंक्य रहाणे ने शायद जो उनका लिप रीड करा था, आप उसकी फुटेज देखना, जब गाबा का मैच जीत गए ना तो ऋषभ पंत के हाथ में तिरंगा है और वो आगे चल रहा है और वो जैसे तेरी तरह यू यू करते रहता ना, सेम ही तो तुम्हारी शक्ल है, बाल भी तुम्हारे सेम है, तो वो यू यू करते रहता है, तो यू कर रहा है, तो अजिंक्य रहाणे पीछे से आता है ऋषभ पंत के खुशी खुशी में, बाल पकड़ता है पूरा मुंह ऐसे यू 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 और बोल रहा कुत्ते जिता दिया ऐसे कर मैंने देखा वो इतना प्यारा शॉट है, वो इतना प्यारा शॉट है वो, मतलब और ऋषभ भी ऐसे ऐसे हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं मतलब उनको पता है कि यार तू क्या इंसान, लेजेंडरी क्या आदमी थी। नेथन लायन को छक्के मार रहा है वहां पे और पता नहीं किसी को नहीं छोड़ा था यार, इसने पेसर को मार रहा है, स्पिनर को मार रहा है, पागल हो गए थे ऑस्ट्रेलियन। वो जो छक्का था ना नेथन लायन को निकल के मारने वाला वो छक्का ऋषभ पंत को, और एक्चुअली मेरे को वो बेस्ट लगा था कि इसने बताया था ऋषभ ने कि इसकी और शुभमन की बारिश जो थी रात के, बाकी सब सोच रहे कि क्या करे क्या करे, टेस्ट मैच फंस गया हार जाएंगे ड्रॉ, तो ये दोनों बोल रहे हैं कि नहीं भाई जीतना है, जीतने के लिए रात को अपनी प्लानिंग कर ली इन लोगों ने, मैं नीचे से मारूंगा ये करेंगे, और कहता है कि जब शुभमन गया मारना शुरू करा तो मैंने बोला कि यार ये तो मार रहा है, मुझे ही मारना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, फिर उसने मारा, फिर इसने मारा, वो वॉशी आया, फिर वॉशी ने बोला कि वॉशी मुझे कहता है बचा वी हैव टू विन, लेकिन वॉशी ने छक्के मारे वो इस इंटेंट के साथ, क्रेजी था, बट हम सब क्रेजी बीच में एक ऐसे इंसान को भूल रहे हैं जो बीच में खड़े होकर अपनी छाती ऊपर बॉल खा रहा था, मतलब चेतन शर्मा पुजारा, उन्होंने 50 बनाई थी उसमें, द ह्यूमन पंचिंग बैग, वो एक आई थिंक वो एक थ्रेड थे बीच में आज तक ना। अच्छा उस टाइम पे मैं इंडिया टुडे में सुनील गावस्कर साहब के साथ शो करता था, हरभजन सिंह, सुनील गावस्कर, मैं एंकर था, स्पोर्ट्स शो जाता था अंग्रेजी का, अंग्रेजी में स्पोर्ट्स शो था, और हमने कवर करी थी पूरी सीरीज, तो हम सारे ही पागल हो गए थे, इवन सनी भाई, मतलब यार क्या सीरीज थी वो, अल्टीमेट सीरीज। तो मैं सनी भाई के साथ बात कर रहा था, मैंने कहा सनी भाई टॉप 5 परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ ना बैटर्स में से, तो मैं सबसे ऊपर पुजारा को रखूंगा, कि भाई उसने तो, सनी भाई ने बोला द वे दैट ही पुट हिज बॉडी ऑन द लाइन, यहाँ बॉल खा रहा है, यहाँ बॉल लग गई थी, बैट छूट गया 2-3 बार हाथ में लगी, ऐसे बैट ऐसे छोड़ दिया, छटक रहा है लेकिन आउट नहीं हो रहा, बॉलर को पागल कर दिया, थका दिया। लेकिन मैं बाद में सोच रहा था, मैंने भाई ये टेक्निक क्या है खेलने की, मैं दुनिया में कोई ऐसा बैटर नहीं देखा जो बॉडी से ज्यादा बैट से कम बॉडी से ज्यादा खेल रहा, तो यंगस्टर्स तो नासिक है भाई, वो एक ही पीस है पुजारा और कोई नहीं कर सकता। अच्छा वो इस सीरीज में इन्होंने किया, कर दे अस्पताल ही जाएगा सीधा, उससे पहले 18-19 की जब सीरीज में खेलने गए थे तब इतने बॉडी ब्लोज वगैरह, बॉडी लाइन बोलिंग भी नहीं हुई थी इस सीरीज में भाई, उसने डिसाइड कर लिया कि मेरा बल्ला ऊपर आएगा ही नहीं, वो पैट कमिंस वहीं, मैं एज दूंगा ही नहीं, अगर मुझे रिस्क लग रहा है क्योंकि पिच में से ना एकदम से बाउंस हो रही है, तो मैं ऊपर करूंगा ही नहीं, भात ही नीचे कर देता था, बॉडी पे लग रही है, इधर लग रही है, पीठ पे लग रही है, हेलमेट में भी कई बार, ऑस्ट्रेलियंस के मन में भी इतना रिस्पेक्ट था ना पुजारा के लिए कि भाई ये क्या आदमी है, वो लगातार डाल रहे थे उधर ही, वो आउट ही नहीं होता था उनसे, उंगली में लगा वो आउट ही नहीं होता, उनको थका थका के मार देता था, 18 ओवर में 500 रन, फिर उसी लाइन पे आउट भी किया था, बहुत लास्ट में लेकिन किया था, आपने जो बात करी ना वो उस सीरीज में सारे हीरो थे, मतलब आप देख लो हर बंदा हीरो था, बॉलर बैटर जो भी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात ये भी है जो लीडरशिप दिखाई थी ना अजिंक्य रहाणे, बिकॉज पहला टेस्ट आप 36 ऑल आउट होके हार गई, विराट वापस आ गए, उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने उसके नेक्स्ट टेस्ट मैच में जो 100 मारा वहीं से उम्मीद नहीं थी किसी को, और वहां भी विराट कोहली जब रन आउट हुआ था तो अजिंक्य रहाणे गिल्ट में आउट हो गया पहले मैच, देखिए ये इसका टेम्परमेंट बिल्कुल अलग है, आप अजिंक्य रहाणे को कभी लाइमलाइट में नहीं देखें, कभी इधर उधर बात नहीं कर रहा, लेकिन जान इतनी है ना इसमें, जब ये सीएसके में भी आया, देख सीएसके को जिता दिया, जिता दिया 23 का सीजन, आईपीएल कोई सोचा था ना T20 मुंबई को ही पहला सबसे पहले मैच में तो सीएसके को जिता दिया इसने 50, वैसे ही जब ये सीरीज हुई थी इसकी लीडरशिप, अच्छा आज रोहित आपको लगता है गुंडा है, लगता है ना, लेकिन बदमाश है रोहित, सबको संभाल रहा है, शाणा रोहित, सबको पता है ये वो हार्दिक का गेम बजा दिया, जो भी है ना उस टाइम पे लगता था कि अजिंक्य रहाणे, उससे पहले विराट, विराट विराट तो बदमाश कोई था ही नहीं, विराट तो खड़ा हुआ था, ऑस्ट्रेलियंस हालत खराब हो रही है, जसल नांगर कह रहा है भगवान के लिए से बात मत करना, इसकी बैटिंग देखना लड़कों, ऐसा कभी सुना था ऑस्ट्रेलियंस के लिए तो इंसल्ट है वो, नेवर मेस विद इंडियंस, नेवर मेस तो छोड़ दे, अपने ड्रेसिंग रूम को बोल रहा है कि जब विराट कोहली बैटिंग करने आएगा ना उसको देखना, ये नहीं बोल रहा कि उसको आउट करना है, देखना उसको लर्न करना, वो भी ड्रेसिंग रूम सोच रहा है भाई ये जलील कर रहा है क्या कर रहा है, विराट कोहली को आपने देखा, रोहित शर्मा को आपने देखा, जब गाबा टेस्ट में फाइनल शॉट, मेरा फेवरेट शॉट है वो, गावा टेस्ट में ऋषभ पंत बैटिंग कर रहा है, एक और विकेट गिर गई है, आई थिंक वॉशी अंदर जाता है या एंड में वॉशी भी आउट हो गया, शार्दुल आउट हो गया था वो, वॉशी आउट हो गया था, नहीं नहीं शार्दुल आउट हो गया, वॉशी से पहले शार्दुल आउट हुआ था,
और ऋषभ बस एंड होने वाला होता है मैच, ठीक है ना, और रोहित शर्मा भी पहुंच गया था तीसरे टेस्ट मैच में. व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट दैट वाज, लाइक अ मोमेंट फ्रॉम अ मूवी. ठीक है साला, चार टेस्ट मैच हो गए हैं, तुम्हारी हड्डियां पसलियां टूट गई हैं, तुम पहले टेस्ट मैच में 36 ऑल आउट, दूसरा टेस्ट मैच तुम जीतते हो, तीसरा टेस्ट मैच साला ड्रॉ होता है, पांचवा टेस्ट, चौथा टेस्ट मैच इम्पॉसिबल है जीतना, इम्पॉसिबल है जीतना, और अब तुम जीतने वाले हो चार टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया, द बिगेस्ट विन ऑफ योर लाइफ, बिकॉज 36 सालों से गावा में कोई नहीं जीता. नवदीप सैनी थे आखिर में. हाँ नवदीप सैनी, वही बोल रहा ना कि वो भी आउट हो गया था, नवदीप सैनी आ गया था, तो टेंशन हो गई थी कि हार ना जाए लास्ट में, एंड में हार ना जाए. नहीं नहीं उसने पैड पहने हुए, वो बस पैड नहीं नहीं भागा था, वो भागा था, मतलब वो वॉशी आउट हो गया, बोल्ड हो गया था ना नेथन लाइन पे, नेथन लाइन ने बोल कर दी थी. तो एंड में इतने सारा एक डेढ़ महीने का ये सारे के सारे तपस्या, राइट, उसमें इंडियन टीम कंप्लेन भी कर रही है, हमारा होटल अच्छा नहीं मिला, ये हमारे साथ माइंड्स गेम खेल रहे हैं, हमारे साथ खाना नहीं अच्छा मिल रहा, प्रैक्टिस सेशन में हमें ठंडा खाना मिलता है, ये वो जो भी है, कंप्लेन भी हो रही है, सिराज के साथ मुझे याद है वो सब हो रहा था, रेसिज्म हो रहा था, बहुत सारी चीजें हुई, स्टेडियम में से लोगों को बाहर निकाले थे ऑस्ट्रेलियंस को. फाइनली हम जीतने वाले हैं, मोमेंट्स टू गो. मैंने आपको भी बताया विराट कोहली कप्तानी, देखिए आपने बदमाशी, अभी आप रोहित शर्मा की देख रहे हो, ये दोनों रोहित और रहाणे दोनों बैठे, रहाणे बैठ, रोहित बैठा हुआ है रहाणे के साथ, ये दोनों कुछ भी नहीं है, जो रहाणे का शॉट आया, रहाणे यूं करके बैठा हुआ है, ठीक है, रोहित यहां बैठा हुआ है, रोहित लग रहा है चेला चपाटा है भाई, वो एक डेढ़ महीने से लॉकडाउन है बंदा, यूं बैठा हुआ है, कुछ नहीं बोल रहा, यूं देख रहा, कुछ नहीं, यूं कर रहा बस कि एक बार जीत जाए. हाँ वो था, वो ऐसा लग रहा था, पर जीत जाए इनको मैं बताता हूँ उसके बाद ऑस्ट्रेलियंस की ऐसी की तैसी, यूं बैठा हुआ भाई फुल टोर में, फुल मतलब एक चीज है ना कि बंदा, एक मेरे को बोहेमिया ने बताया था कि व्हाट इज हिप हॉप, कि बंदा अपना कर रहा है, डूइंग, मतलब अपनी एटीट्यूड में चल रहे हो, तो किसी दुनिया कुछ नहीं दिखाना, उस टाइम पे वो ऐसा बैठा हुआ जैसे दुनिया का सबसे बड़ा डॉन है जिनके रहा 12 मुल्कों की पुलिस डॉन को ढूंढ रही है, पूरी दुनिया की पुलिस ढूंढ रही है, एंड रोहित ऐसे बैठा हुआ बिल्कुल साथ में, बस कुछ नहीं, आराम से उसको देख रहा, और रहाणे ऐसे आगे देख रहा, और मैच खत्म हो रहा है, रोहित ने पकड़ा झप्पी पाई, गालियां वाली, रोहित अपने स्लैंग में आ गया था जीतने के बाद, गाली गाली वाली, रोहित बैन मार करना शुरू कर दी, और रहाणे दौड़ रहा है, ऋषभ भाग रहा है, ये ऐसी सीरीज, लेकिन अजिंक्य रहाणे को खुश नसीब हमने बहुत कम क्रेडिट, उसके लिए तो मिलता नहीं होता जितना मिलना चाहिए, और जैसी कप्तानी उन्होंने की थी, इसीलिए मैंने अश्विन से जब इंटरव्यू और रहाणे से इंटरव्यू करा था, मैंने इनको क्रेडिट नहीं मिला, कहते तुमने नहीं दिया, हम तो देते, ऐसी बात है भाई, अजिंक्य रहाणे, बल्कि अजिंक्य रहाणे ने उस टाइम की बात कॉन्फ्रेंस करके बोली थी कि जिन लोगों का क्रेडिट नहीं बनता था क्रेडिट खा गए, मेलबर्न के अंदर वो 100 ना आता तो आपका टर्न हार गए थे, हार गए थे, टर्न अराउंड ही हुआ था, वहां पे दो विकेट जा चुकी थी, मैं जडेजा और इनकी पार्टी, और वो तस्वीर में मैंने एक इंसान देख लिया, पृथ्वी शॉ, वो पृथ्वी शॉ तो खैर उनका पहले मैच, लेकिन आप ये देखो, आपने जो बोला ना मेलबर्न में सोना आता, देखो मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ, कप्तान अगर खड़ा हो जाए ना टीम खड़ी हो जाए, बिल्कुल, ये जितना मर्जी मुझे बोल लो रोहित को हेट करता है ये करता है, सच बात ये है रोहित के रन नहीं आ रहे थे उससे पहले, और मैंने नहीं अकेले बोला था, किसी से भी आप पूछ लो, सब जो सेंसिबल बात करने वाले लोग हैं, जो उसके स्टैट्स देख रहे थे, वो यही बोलते, मुंबई इंडियंस तक ने निकाल दिया था यार, हमने थोड़ी निकाला था, लेकिन जो रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया को मारा 92, और उसके बाद जो सेमीफाइनल में इंग्लैंड को मारा, टीम उसके बाद मुझे पता था कि वर्ल्ड कप यहीं आ रहा है, बिकॉज कप्तान खड़ा हो गया, ये वाला ये था वो शॉट, खड़ा होता है रहाणे गले लगा रहे अपने ही, रोहित वहां पे गालियां निकाल रहा है, शुरू हो चुका, और बट रहाणे यार, रहाणे वो जो बंदों में था दम वाली जो सीरीज थी, रोहित की एक बात याद आ गई, रहाणे अपना बता रहे थे कुछ, शार्दुल आउट हुआ, हां शार्दुल को तो रोहित वो उन्होंने बताया रहाणे ने, तो रोहित मुझसे कहता है अपनी भाषा में, एक बार आने दे इसको पहले, एक बार मैच खत्म हो जाए, इसको मैं हीरो बनाता हूँ, आने दे इसको तो कहता है अभी तो चुप हो जा भाई, मैच देखते हैं. रहाणे वाज आउटस्टैंडिंग, एंड एक पता क्या है, 100% विन रिकॉर्ड है इस कैप्टन, हां 100% विन रिकॉर्ड, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो हमेशा अनसंग ही रहेंगे, और रहाणे उनमें से एक है, रहाणे ने जो जो किया हुआ है ना भाई, अचीवमेंट जो इसकी है, जो ये टेस्ट सीरीज वहां पे जीता है, इट्स आर्ग्यूएबली आवर ग्रेटेस्ट टेस्ट सीरीज विन एवर, बट नोबडी रिमेंबर्स अजिंक्य रहाणे एज कैप्टन आल्सो, यू विल रिमेंबर शुभमन गिल, यू विल रिमेंबर ऋषभ पंत, यू विल रिमेंबर हनुमा विहारी, यू विल रिमेंबर अश्विन, पुजारा, सिराज, वॉशी, बहुत लोग याद रहेंगे, बट रहाणे की इतनी बात नहीं होती, बिकॉज बेचारा पता है क्या, कभी लाइमलाइट नहीं, लोकी प्लेयर, इसने कभी भी लाइमलाइट, ये तो खड़ा हो गया था यार, ये तो बाद में खड़े हो गए, बैठा हुआ था ना, वो शॉट मिल ही नहीं सकता, बिकॉज वो शॉट मैच में ही आया था, नहीं वो मुझे पता है कहाँ मिल जाएगा,
अगर वुट किसी के पास है, वो अगर मैच पूरा है, बंदों में था दम वाली सीरीज आप खोले, ये बंदा ऐसे बैठा हुआ रहाने यूं करके और रोहित यहाँ बैठा हुआ, और रहाने सिर्फ सीधा देख रहा है रोहित से बात कर, रहाने यूं अपनी बीयर्ड में फाइनल विनिंग शॉट में उस सीरीज में जाकर देखोगे तो रहाने को आप देखो उसकी ह्यूमिलिटी, रहाने को आप देखो कि जिस तरीके से उसने लड़कों को ट्रूप्स को हैंडल किया, ये याद रखना भाई कि कोई बहाना नहीं, उसने कोई बहाना नहीं बनाया कि मेरी आधी टीम बाहर हो गई, बुमराह गया, शमी गया, सारे चले गए थे, सिराज में जितने बंदे थे, क्या बोलिंग थी, नवदीप सैनी, सिराज, नटराजन, ये तीन पेसर थे आपके फाइनल टेस्ट मैच में, अश्विन विहारी सब बाहर उस मैच, विराट तो पहले चला गया, सैनी आई थिंक इंजर्ड हो गया था, सैनी भी इंजर्ड हो गया था, और वॉशी तो कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, और आप सोचो कि लड़कों ने जान लगा दी कप्तान के लिए भी, देश के लिए भी, तो इस कैप्टन में कितनी बड़ी बात होगी यार, तो वही बात है ना यार, देखो हम याद भी नहीं रख पाते, और हालांकि काम हमारी है याद दिलाना, लेकिन फिर भी इसकी पर्सनालिटी भी बनने की ऐसी कभी लाइमलाइट पसंद नहीं करता, बट वेरी करेजियस क्रिकेटर, वेरी कमिटेड क्रिकेटर, ऑलवेज अंडर द शैडो, यू नो इसकी जैसे रोहित की पर्सनालिटी है कि लड़ झगड़ के नहीं जी मैं हूं सबसे बड़ा प्लेयर, विराट की पर्सनालिटी है मैं हूं सबसे बड़ा प्लेयर, बुमराह की भी शायद ऐसी पर्सनालिटी नहीं है, अंदर से लगता होगा उसको लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता, वैसे ही रहाने ने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। आपको याद है इंडिया अफगानिस्तान की टेस्ट सीरीज, मतलब एक टेस्ट मैच हुआ था, रहाने कप्तान थे, जहाँ पे उन्होंने अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बुला लिया था जीतने के बाद उनके साथ, अरे यार ऑस्ट्रेलिया को भी तो रहा था धर्मशाला में, 100% रिकॉर्ड है, एक मैच हारे नहीं एज अ कैप्टन अजिंक्य रहाने, ये भी एक अपने आप में इंटरेस्टिंग चीज है, जो ड्रॉ कराया दो टेस्ट मैच, एक इंडिया में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, मैं भेज रहा हूं वो वाली तस्वीर, दो टेस्ट मैच ड्रॉ है, बाकी सारी जीत है अजिंक्य रहाने के नाम, तो ये तो आउटस्टैंडिंग कैप्टन, फुल स्क्रीन पे आ जाइए कोई और लगा दीजिए, लेकिन उस मोमेंट के अंदर ना दैट मोमेंट जस्ट एक्सूडेड पावर, व्हाट डज पावर मीन, व्हेन यू आर टोटली इन कंट्रोल, टोटली कॉन्फिडेंट, यू डोंट गिव यू नो अ डैम अबाउट एनीथिंग, एंड यू नो दैट यू हैव गिवन योर बेस्ट एंड योर टीम हैज गिवन देयर बेस्ट, एंड आपके आगे ऑपोजिशन जो है वो चाहे पहाड़ हो जितनी मर्जी बड़ी हो, बट जो आपने अचीव कर लिया ना यार, 36 ऑल आउट होने के बाद आपने सीरीज जीत ली, और वो भी गाबा में 36 साल के बाद जीत गए, और वो भी इंपॉसिबल, कितने का टारगेट था यार फोर्थ इनिंग में, लास्ट दिन पे 324 चाहिए थे सर, बहुत चार बनाए बड़ा टारगेट था, 324-26 चाहिए, और मतलब लोग बोल रहे थे ड्रॉ कर लो बहुत बड़ी बात, आखिरी दिन पे जीत नहीं सकते और जीत गए आप, बड़ा सीरीज में, और रहाने भी तो जब बैटिंग करने उतरे थे आते ही छक्का लगाया था नेथन लाइन को, वहीं से बता दिया, तेज खेल रहा था, वहीं से बता दिया था, उसको मैंने ये भी बोला था कि कप्तान ने वहां पे दिखा दिया, कप्तान ने वहां पे दिखा दिया, आ जाइए वापस आ जाइए, ये वाली तो देख लिया तस्वीरें, कप्तान ने उस मोमेंट में बता दिया जब आके छक्का मारा था 20 रन के आसपास मारे थे आउट हो गया कि भाई वी आर नॉट गोइंग फॉर ड्रॉ, वी आर गोइंग फॉर द विन, वहीं से पता लग गया था, वहां से समझ में आ गई थी कि भाई ये जब ऐसा खेल रहा रहाने, ऋषभ को तो भूल जाओ, पांचवे दिन के पहले जीत के लिए जा रही थी, मैंने खुद ने नहीं बिलीव किया था कि आप चेस के लिए, सोच ही नहीं सकता था कोई, ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब हो गई थी, उनको नहीं लग रहा था कि ये जीतने के लिए जाएंगे, वो भी सोच रहे हैं कहां से गले पड़ गए हमारे, मारी जा रहे हैं, क्योंकि बट ऑस्ट्रेलियंस की भी हिम्मत है भाई, लास्ट जान लगाई, हार गए तो लगाई, लेकिन लगाई।